Hello my dear students, I'm sure you must be preparing well for your competitive exams as well as for your board exams. I can understand the huge pressure on your head. Yes, pressure for board exam and pressure for competitive exams. How to justify? कैसे दोनों के साथ में न्याय किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा कि ये कर रहे हैं तो वो छूट जा रहा है, वो कर रहे हैं तो ये छूट जा रहा है। दोनों चीज़ें करेक्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करेंगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस होगी। आई हैव सीन लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट किसी का परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में अच्छा हुआ तो आईआईटी में अच्छा नहीं हुआ, और किसी का आईआईटी में अच्छा हुआ तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ। यू मे थिंक कि परफॉर्मिंग वेल इन द बोर्ड एग्जाम इज नॉट नेसेसरी, बट my piece of advice, performing well in board exams as well as in competitive exams, both are equally important, because in future you will get to know कि कहाँ पर criteria percentage in board exam था और कहाँ पर आपको उस board exam की marksheet के जो percentage है उसकी ज़रूरत पड़ेगी. So that is why this is very important to justify with both of the two exams. For that, what is the correct strategy? करना क्या चाहिए? पहली चीज़ ये है कि अभी ISC के बच्चों का जो शेड्यूल है वो अभी क्लियर नहीं है, वो अभी आया नहीं है, बट रिमेंबर 3-4 डेज प्लस और माइनस, जैसा CBSE का है 4 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके इंग्लिश का पेपर पहला है 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही 4-5 दिन आगे पीछे ही ISC का भी होने वाला है. सो रिमेंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है. तो CBSE का बिल्कुल पहले से आ चुका है शेड्यूल. अभी जो आपको इस परेशानी से निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं JEE मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, वो 4 अलग अलग डेट्स हैं. उसमें से आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चारों में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसा आपको फिट लगे, जैसा आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिट लगे या सिचुएशन के हिसाब से ठीक लगे. पहली डेट फेब में है, फेब लास्ट में है. दूसरी डेट मार्च में है, मार्च के मिड से थोड़ा सा आगे है, 15 से 18 मार्च है. और तीसरी अप्रैल में है, एंड द लास्ट वन इज इन द मंथ ऑफ मे. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी. डोंट फील इट कि ये हमारी एडवाइस बहुत फिक्स एडवाइस है, इससे ही काम होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. बट व्हाट आई पर्सनली फील कि जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो द बेस्ट डेट है, वो बेस्ट डेट है मंथ ऑफ अप्रैल की. मंथ ऑफ अप्रैल का मतलब कि जो लास्ट में 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 28, 29, 30 अप्रैल वाली जो डेट है वो सबसे बेस्ट डेट है, सबसे प्रॉमिसिंग डेट है. क्यों? रीजन बिहाइंड उसमें ये होगा कि जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं किसी भी बॉल को क्लोजेस्ट टू द बॉडी जब खेलते हैं तो वो बेस्ट शॉट होता है, बेस्ट शॉट होता है. बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के जितना नज़दीक आप पहुंचते जाएंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्पेशली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो जो बोर्ड एग्जाम के नज़दीक पहुंचे वो सबसे नज़दीक की डेट कौन सी है? अप्रैल लास्ट वाली, 28 टू 30 में. उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप 15 मार्च तक बढ़िया तरीके से, 10 मार्च 15 मार्च तक, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, 15 मार्च तक आप 11th के सिलेबस को बढ़िया ब्रशअप करिए. और उस ब्रशअप में क्या करेंगे? डिटेल्ड स्टडी करिए, NCERT की बुक लगाइए, NCERT एग्जाम्पलर बुक लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 11th का सिलेबस, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, 11th के सिलेबस को करिए. 15 मार्च तक सिर्फ 11th का सिलेबस, 15 मार्च के बाद 11th का सिलेबस बिल्कुल बंद. लेकिन उसके टच में भी रहना है. टच में रहने के लिए आपको क्या करना है? टच में रहने के लिए 11th का सिलेबस 15 मार्च के बाद उसमें JEE मेंस के जो पिछले साल के क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है, उसकी रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे. इसके अलावा पूरा टाइम 12th के सिलेबस को देंगे, पूरा टाइम 12th के सिलेबस को देंगे. इसका मतलब 12th के सिलेबस में जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं अच्छी तरीके से NCERT का ब्रशअप करेंगे, अच्छी तरीके से NCERT रिवाइज करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर रिवाइज करेंगे. फिर 12th के क्वेश्चंस जो 12th के सिलेबस से जो JEE मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और पूरा 12th का सिलेबस तैयार करेंगे. 28-30 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे. उसके बाद में 4-5 दिन आपके पास में होगा. 4 मई से आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 4 मई को. आप बढ़िया 4-5 दिन उसको इंग्लिश रिवाइज करिए और अपना बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट करिए. दूसरी जो बेस्ट डेट होगी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, दैट विल बी व्हाट? वो जो लास्ट वाली डेट है, दैट इज मई के एंड वाली. उसमें क्या होगा कि आपका 18th को 13th मई को आपका फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद 18th मई को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, फिर बायो स्टूडेंट्स का इसके बाद में एग्जाम है 24th मई आई थिंक, और लास्ट में 1 जून को जेईई मेंस है, 1 जून को मैथमेटिक्स है, 1 जून से थोड़ा पहले, ठीक थोड़ा पहले मई के एंड में ये आपका जेईई मेंस का एग्जाम है। उस समय आपकी मैथ्स की बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी जो बोर्ड एग्जाम में भी आपको बढ़िया काम आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, वो सब मिला के एक बेस्ट डेट आपके लिए, सेकंड बेस्ट डेट जो हो सकती है वो ये मई के लास्ट वाली डेट है। सो बोर्ड स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन दीज 2 डेट्स ओनली, दैट इज द लास्ट वन अप्रैल वाली डेट और जो मई के मंथ वाली डेट है। कुछ बच्चे जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, ड्रॉपर्स के लिए मुझे लगता है कि 4 के चारों डेट्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से बढ़िया होंगी, क्योंकि फर्स्ट डेट में जो लोग फुल रिवीजन, फुल कोर्स रिवीजन कर सकते हैं वो पहली वाली डेट में भी फुल कोर्स रिवीजन करके एग्जाम दें और पॉलिश करें और पॉलिश करें, सेकंड डेट में फिर से एग्जाम दें, फिर से पूरा रिवीजन करें, थर्ड डेट में, फोर्थ डेट में, किसी में भी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकता है एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट बेस्ट परफॉर्मेंस विल बी रिकॉर्डेड। दिस इज ऑल फॉर जेईई स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द नीट स्टूडेंट। नीट स्टूडेंट्स, बायो स्टूडेंट्स के लिए 24 मई को उनकी बायो का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, और उसके बाद में ये हम सारी डेट्स कोट कर रहे हैं किसके लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, एंड आईएससी स्टूडेंट्स स्टिल वेटिंग फॉर द शेड्यूल। इसी के आसपास सारे आपके भी एग्जाम्स होंगे। अच्छा, दूसरा नीट वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि आपको एग्जाम से पहले मेरे ओपिनियन के हिसाब से बिल्कुल भी 11 का सिलेबस टच नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। आपको बोर्ड एग्जाम पे बढ़िया फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम अभी डेट ही नहीं आई है, जुलाई में एग्जाम होगा और बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आप अभी करिए, अभी के अभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुट जाइए, और उसमें आप स्पेशली क्लास 12th के सिलेबस की जितनी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से मजाई कर सकते हैं, घिसाई कर सकते हैं, स्क्रैप कर डालिए बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी। इसके अलावा जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी ये बात ध्यान रखें, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आप क्या करें कि जो नीट के पिछले 25 ईयर्स के पेपर हैं, नीट के 25 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव पेपर्स, जिस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अपना बोर्ड एग्जाम का एनसीईआरटी लगाने के बाद, एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर मत भूलिएगा, एग्जाम्पलर भी प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ साथ 25 ईयर्स के जितने भी नीट के क्वेश्चंस हैं उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। सिर्फ आधा सिलेबस करना है 12th का। जब आपका ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम आपका हो जाएगा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो, बोर्ड एग्जाम का मतलब 24 तारीख को आपका बायो का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके एग्जाम्स बचेंगे। आफ्टर दैट फाइनली यू विल बी लैंड अप टू द 11th सिलेबस। 11th का सिलेबस की ब्रशअप बढ़िया करिए, पढ़ाई शुरू करिए, उसमें एनसीईआरटी लगाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में एनसीईआरटी बढ़िया, उसके बाद एग्जाम्पलर, और उसके बाद में लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में वो सब बढ़िया करिए। याद रखिएगा, आपको जब क्वेश्चन पेपर नीट का देखेंगे 2021 का तो आपको हमारी याद जरूर आएगी कि सर ने जो लास्ट मिनट एडवाइस दी थी कितनी बढ़िया काम आई है। जो लास्ट में आप ये क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, प्लीज ट्रस्ट मी। सो व्हाट आई एम सेइंग, द करेक्ट स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली गिव यू अ ग्रेट सक्सेस। सो विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू ऑल द थिंग्स डिफरेंटली। डिफरेंट तरीके से करिए, डेफिनेटली यू विल get success. Thank you. All the very, very best for your exams.